और हमें दिखाया जाता है जो चीरो रहता है वो सफाई कर रहा होता है और कहता है कि हॉस सारा हो गया अब अगला। फिर उसे ना वो देखता है कि अरे मेरे को माफ़ करो, मधुका कहता है किचन की हालत वापस कर देता है, पिछले दिन ही साफ़ करा था। अगर क्या तुम ऐसा चीज़ कभी ट्राई मत किया करो, गलत है। कि मैं तो क्या करूँ, मैं तुमको ट्राई करा तुम खुश हो जाओ, पर मेरे क्या तुम ऐसे गंद फैला के खुशी करो। दरवाज़ा बेल बजता है, कौन है वहाँ पे? वो कहता है कि तुम क्या क्यूट हेल्पर। वो पूछता कि वहाँ पर मेरा मतलब अच्छा तुम बॉय हो, अच्छा मैं बोला लड़की हो। फिर वो बोलता है मियाको, वो कहता है हाँ मेरे को माफ़ करो बिना आए डियर ब्रदर। कहते क्या डियर मदर, अंदर बैठते हैं। अरे तुम घर से क्यों भागी? अरे मेरे पापा मेरे को कोई परमिशन नहीं देते, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है। उनको भी मेरे को करना चाहिए, मेरे को भी मदद करना है, कुछ काम करना होगा। वो कहता है पर ये तुम्हारी सिस्टर है। अरे नहीं वो मेरी सिस्टर नहीं है। फिर वहाँ पे ना कई चीर आ जाता है। वो कहते हैं कि वो लड़की, वो बोलते हैं मिस मियाँ को आप यहाँ पे? तो मियाँ को रोने लग जाते क्या हाँ कई चीरों उसे पकड़ लेती हो। कहते पता है तुमको, पता है एक बात, मेरे फादर मेरी फीलिंग का कोई कदर नहीं करते एक सेकंड भी, वो इनको बहुत परेशान करते हैं। बोलते क्या बात कर रहे हो ये मेरी ना। फिर वो बोलते मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी मधोका, सुन ले हो मेरे कोई मतलब नहीं है। और वो बोलते क्या परवट कहीं के? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम गलत मत सोचो, मधोका कहता है। बोलते कई चीरो क्या तुम चियो के बेटे हो? बोलते हम मेरे को माफ़ करो, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तुमको पहले नहीं दिया, मेरा नाम मियाँ को ओतोरी है। और मेरे ना कि मधोगा कहता है ये इसकी फैमिली और मेरी फैमिली बहुत अच्छे दोस्त है, इसलिए हम दोनों ऐसे चिपक गए तगड़े की वजह से। वो बोलता है मेरा नाम चीरो, तुम मिलके अच्छे लगा। फिर तुम इतना अच्छा आउटफिट क्यों पहने हुए लड़की की तरह? वो ना वो बोलता है कि बुरा हो जाता है, ऐसे कोई नहीं मेरे को, ज़बरदस्ती पहनाया गया है ये। कई चीज़ों के अहमद होगा, कहता मैंने बनाया बहुत अच्छा है ना, ये तो बच्चा है, तुम इसके घर के काम कराते हो ये पहना के? अरे नहीं बात ऐसी है कि वो एक दिन ना वो आया मेरे घर पे, बोला कि ना मैं अब कुछ नहीं रहने की जगह है, मेरी मदद करो, मैं आपके कर्ज में हूँ। तो कह रहा मैं आप यहाँ पे काम करूँगा, तो हम दोनों साथ में मिलके करने लग जाते हैं ये। वो बोलते बहुत अच्छी सी कहानी है। वो बोलती है मियाँ को आप बहुत अच्छी हो। फिर बोलते ऐसे झूठ मत फैलाया करो, कि हमारा चीरो कहता है। अरे बहुत बढ़िया, काश मैं भी इसकी तरह इंडिपेंडेंस रह पाती। तुम चीरो से सीख सकती हो बहुत कुछ, वो बहुत अच्छा आदमी है। वो बोलता अच्छा हाँ। फिर वो वहाँ खेत चीरो देख रहा होता, फिर हाँ मैं ऐसा नहीं रह सकता। फिर बोलता ठीक है मैं अपने फादर को दिखाऊंगी कि मैं कितनी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना सारा काम खुद कर सकती हूँ, मैं जैसे चीरो करता है। चीरो इसके लिए तुमको मेरा टीचर बनना पड़ेगा, मेरे को सिखाना पड़ेगा कैसे करते हो। तो क्या फिर वो अपना ना मेड का कॉस्ट्यूम पहन लेती है। वो तो ठीक है टीचर अब बताओ हम कहाँ से स्टार्ट करें। वो बोलते कि ये लो अपन तो क्या करो बेस्ट ऑफ लक ची, तुम शांत रहो, पहले हम ना सफाई करते हैं सीढ़ियों की। बोलते यस सर। और सफाई करी होती है, वो तो स्वाइप स्वाइप करते ऐसे नहीं, तुमको स्टार्टिंग से करना चाहिए, गंदी फैल जाएगी। पोछा लगा रही होती है कि ऐसा नहीं, पहले से तो पानी तो गारो, ऐसे नहीं करते विंडो को, ये गंदा है, सॉरी। और हर चीज़ में सॉरी और ना बास तोड़ देती है। कई चीज़ों परेशान हो रहा होता है कि भाई कर क्या रहे हैं ये, मैं तो कह रहा कोई बात नहीं ये सब चल ठीक रहेगा। और शाम हो जाता है और ना वो साफ़ कर रहे होते, कह रहे तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ। हमारी मियो को कहती है, वो चीरो देख रहा होता है उसको। फिर वहाँ पे ना कई चूर आ जाता है, तुम ठीक तो हो? कर हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तो जैसा भी बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। कहता ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया, ओके बाय। कहता ठीक है आपका अच्छा दिन हो, शाम हो, बाय बाय। फिर बोलता चलो, मैं फिर से एनर्जी आ गई टीचर अब क्या करें। अब वो बोलते चलो खाने का समय आ गया तो डिनर बनाते हैं। वहाँ पे मियाँ को ना सब्जी छील रही होती है बहुत अच्छे से आलू। वो बोलते वाह आप तो बहुत अच्छी हो। कह रहा हाँ मैं स्वीट स्वीट ये सब बना सकती हूँ, नॉर्मल खाना मैं प्रैक्टिस कर रखा है। वो तो फिर वो बोलते कि ना खाना मैं आप पे छोड़ता हूँ। बोलते ठीक है। फिर वो ना बना रहे होते, बोलते मियाँ को तुमने क्या ये सब तुमने बनाया है? मधुका बोलते बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी है पहले तेरा, तुम्हारा शुक्रिया। तो चीरो क्या कर रहा है वो? कह रहा वो उसका पता नहीं, वो बोलता है ना खाने का टेस्ट कराता और बाकी कचड़ा फैल गया शायद से। वहाँ पे दिखा दे किचन की हालत जो मियाँ को ने किया है। वो ना वो बोलते चलो तुम खा के साफ करके आ जाना। बोलता ठीक है, बोलता ठीक है मैं तुम्हें मदद करूँ? करें नहीं बिल्कुल नहीं, तुम आओगे तो और टेंशन बढ़ जाएगा, तो मैं अकेला ही कर लूँगा। बोलते तुम बहुत बेकार हो। फिर वो बोलते मैं भी मदद करूँ? मियाँ को कहते हैं कि नहीं, वो कह रहे मेरे को माफ़ करो मेरे से ऐसा हो गया, टेंशन मत लो तुम घर जाओ और सब सही रहेगा। मदा को चले जाता है और चीरो ऐसी रहती है और वो सब निकल जाते हैं। बोलते ठीक है ऑल राइट, पूरा चमका देता है। बोलते बिल्कुल सही, ऐसा लग ही नहीं रहा अभी यहाँ पे कुछ हुआ है। फिर वो ना आ जाता ऊपर, वहाँ पे बैठे हुए देखता है वहाँ पे मियाको को जो थोड़ा उदास से बैठी रहती है। बोलते तुम यहाँ पे बैठी रहोगे तो तुमको ठंड लग जाएगी। बोलता चीरो तुम? हाँ। तुम इतनी रात तक क्या कर रहे थे? हाँ मैं सफाई कर रहा था, अभी देख इतना गंदा था, इतनी मुश्किल से साफ करा है, मेरे को माफ़ करो, मैं सिर्फ मुसीबत बनती हूँ किसी के लिए, कुछ काम नहीं आती, मेरे फादर भी ऐसे के लिए होता होगा, मैं बहुत बेकार हूँ।
वो चीरो सोच रहा था कितना डिप्रेस, कह रहा कि तुम जानते हो हमारे फैमिली के एग्रीमेंट के कारण मेरे को ना मधुका के साथ रहना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी जब 16 को जाओगी, खाली मेरे को नहीं ऐसा करना, मेरे को अपने से चूज़ करना है, ये मेरे को सेल्फिश कहते हैं, खाली मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मेरे को पता है तुम ऐसे बंदों से शादी करोगे, ये अजीब से ही मेरे को समझ सकती तुम्हारी फीलिंग, वो छींक देता है। फिर बोलता है तुम कीचड़ों को पसंद करती हो है ना, वो बोलते क्या क्या मतलब तुम्हारा इसका, मैं नहीं करती कीचड़ों से, कह रहा नहीं नहीं कह हमारा प्यार ऐसा है कि अब सब लोग देख रहे हैं और तुम इसको छुपाने की कोशिश करती हो, साफ साफ पता चल रहा था कि चीरो बता रहा होता है जब भी तुम इसके जरा एक्ट कर रही थी ऐसा। अच्छा पर ऐसी बात नहीं है, मेरे को ना मैंने बहुत गलती करी है, क्या करूँ मैं ऐसा ना अपनी ना सेल्फिशनेस जो है ना, कितनी सेल्फिश हूँ मैं, ऐसा रहा तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे को मैं उम्मीद छूट रही है मेरे से, मेरे को नहीं लगता, अरे तुम अपने आप से धोखा नहीं दे सकती, तुमको ज़िंदगी जीना है तो तुम्हें बहुत कठिनाई से करना पड़ेगा, अपना दिल दिमाग सब कुछ लगाना पड़ेगा, ऐसा मेरी मॉम कहती है, जहाँ पे हार होती है एक बार तो जीत होती है, मतलब मैं को ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मीवा को कहती है, अरे तुम खाना बना सकती हो, तुम कुकिंग में अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा प्रैक्टिस करोगे, तुम क्लीनिंग में भी हो जाओगी, वो कहते अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर से ट्राई करूँगी, मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं ऐसा करूँगी है ना कर, हमारे चीरो कहते हैं हाँ तुम करना, वहाँ पे ना मधो का ना बोल रहा होता है कि खुश होके कि हाँ तब ठीक है, अब मेरे प्लान के हिसाब से ही सब हो रहा है, हाँ स्माइल होके बोलते चलो कल आ जाना। फिर अगले दिन का सीन दिखाते हैं, वो बोलते ऑल राइट, फिर वहाँ पे ना वहाँ पे मियाको का भी कॉस्ट्यूम बन जाता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो, तुम इसे पहनना जो काम करोगी, तो तुम्हारा शुक्रिया मधो का, वो देखिए इसने कितनी जल्दी कैसे बना लिया, चीरो पूछता है, बोलते तुमको नहीं पता ये, फिर उधर ना उसके डैड आ जाते हैं मियाको के, वो बोलते हैं मैंने ये भी बनाया है कुकीज़, ये कई चिरो और ये तुम, बहुत अच्छा है ना, वो बोलते हैं हाँ, अरे तुम किचन के मैं ऐसे गंदा मत करो, वगैरह मैंने ऐसा नहीं किया है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा ही करा है मैंने, थोड़ा का मतलब तुम्हारा ऐसे रहता है, मेरे को माफ़ कर मत, का बोलता है कि, और वहाँ मियाँ को कहते हैं शांत हो जाओ, उसके डैड आ जाते हैं चिरो के, सॉरी मियाँ को के, और वो बोलते मैं आ गया अंदर, वो देखता क्या फादर, वो बोलते क्या कर रहे हैं, और वो अजीब ही सोच लेते हैं, बोलते क्या कर रहे हो तुम मधो का, तुम इसके साथ नहीं रह सकते, ऐसे क्या मतलब है इसका, फिर मेरे को ऐसी चीज़ें पसंद है, मेरे को ये सब पसंद है, उम्मीद सब, बोलते मियाँ को तुम घर चलो, वो बोलते क्यों फादर, तो तुम चलो इस गंदे आदमी के साथ मत रहना, मैंने गलती कर दी, मैं एंगेजमेंट ये कैंसिल करता हूँ, कोई बात ही नहीं, अच्छा हुआ आपको अभी पता चल गया आपकी गलती, और बोलते कभी मत आना इसके गंदे घर में, तो मेरे को माफ़ करो, कहे मधो का ऐसा नहीं है फादर, वो ऐसे चले जाता है, वो बोलता है मधो का कई चीरो चीरो सब आऊँगी मैं, और बोलते तुमने ऐसा क्यों किया, करे कि मैं तुम बहुत बेकार हो यार, तुम समझ नहीं सकते, मैं नॉर्मली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ा मेहनत करा, करे क्या मतलब, फिर ना अगले दिखाते हैं उसके दोस्त के, तो क्या कोमिया देखो वो रहा, वो है कोमिया, कोमिया चीहो, वो बोलता हाँ मैं ये रहा, और ना चीरो आ जाता है, चीरो बोलता है कि तुम इतने कहाँ रह रहे हो, कि अपने रिलेटिव के यहाँ पे, कह रहे हाँ मैंने बताया नहीं सॉरी मेरे को माफ़ करो, और ना अभी ये हॉलीडे चल रहा है इसलिए, कहते हाँ तुम्हारा घर कैसा है, तुम कहाँ रहते हो अभी, तुम्हारे रिलेटिव अच्छे हैं, वो कहते हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हूँ मेड, मेड बोलने वाला रहता है, कह रहे नहीं मैंने बता दिया तो ये मेरे पास हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ेंगे, गल में नहीं मैं नॉर्मल ही रहता हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सही है, नौ ज़्यादा ही नॉर्मल है, कह रहा वो अच्छा तुम झूठ तो नहीं कह रहे, कुछ छुपा तो नहीं रे, वो हमारा जो यूजी के बताता है बेस्ट फ्रेंड उसका, वो वाइट बाल वाला, वो कहता कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ हमको, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, नहीं 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 मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को अभी घर जाना डिनर के लिए, वो अभी डिनर पे सब्जी ले जाना, कह रही क्या कुछ तो गड़बड़ है, तीनों दोस्त प्लान बनाते हैं, हिरोशी और यूजी उसके दोस्त दोनों जा रहे होते पीछे, वो बोलते कि ये आ रहे यार क्या कहूँ, फिर उसका घर का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे वो सब आ जाते हैं उसका पीछा करते करते, वो बोलते वो भाई इतना बड़ा घर, मेरे को मैंने हमने गलती कर दी, हमें लगता है हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही होगा और इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जा ही रहे होते हैं वहाँ पे, आ जाता है हमारे चीरो मिड आउटफिट में सफाई करने के लिए, और कर ही रहा था, वो बोलते क्या चीरो तुम यहाँ पे, ये वो हैरान, वो अंदर अपने रूम में ले जाता है, बोलते कि बात ये है कि मैं शुरू से बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैं वो बोलते कोई बात नहीं तुम बता सकते हो, मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम झूठ तो नहीं कह रहे, नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा, तुमने एक क्लोथ क्यों पहने, फिर यूजी पूछता है, कह रही ये बात नहीं है, वो मतलब मेरे जो अंकल है उसने बोला कि तुमको कुछ काम नहीं रह सकते मेरे साथ, तुम यहाँ पे हाउस कीपिंग कर सकते हो, मैं अपने आप को ज़्यादा मतलब ही था, सेल्फिश था इसीलिए, अगर कॉस्प्ले में लगा तुम कॉस्प्लेनिंग कर रहे हो, नहीं वो कॉस्प्ले नहीं है मेरा यूनिफॉर्म है, तो अच्छा ये लंबी कहानी है तो कोई बात नहीं ठीक है, तुम सही हो क्लोज से कोई मतलब नहीं है, वो बोला ओके मेरे को अब अच्छा लग रहा है, मैं तुमसे छुपा रही है बात,
वो यूजी बोलता था हमसे कभी झूठ मत बोला करो, ऐसे ट्रिक मत किया करो, हमें सबको तुमको तुम्हारी टेंशन रहती है, हमारे वो हमारे चीरो खुश हो रहा था। अब मैं तो कहता हाँ मैं अभी ऐसे कहना चाहता, यही दोस्ती है, चीरो का मैं अंकल हूँ, उसे मारने लग जाता, कितने बार कहा डोर को लॉक किया दबाया करो तब तो आना कहियो, वो सब बाय तो बोलते चलो फिर स्कूल में मिलेंगे, वो चीरो कहता बाय बाय तो आप फिर आना, बोलता कि तुम्हारे दोस्त को वापस बुलाना चाहिए कभी, कहता हाँ तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे को मज़ा आया, तुम झूठ मत बोलो। चलो फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं वहाँ पे, मम्मी आपको आती है बताया कि चलो ठीक है टीचर आप बताओ कैसा लग रहा है ये खाना, फिर और क्लीनिंग सब कर दी मैंने, प्लीज़ प्लीज़ पास कर दो मेरे को, वो बोलते थैंक यू तुम्हारा, वो बोलता तुम पास, वो बोलती देखो वो अच्छा है ना, और ये बोलते ये क्या है लंच रेडी करो, तो चलो हमारा अगला टाइम है लंच का, यस सर बोल के वो बोलते गुड जॉब तुम्हारा शुक्रिया, और बोलता कुकिंग क्लास आज की अच्छी थी, वो हर संडे को आ रही थी चीरो से सीखने के लिए, बोलते कई चीरो क्या संडे को छुट्टी क्यों लेता है, कह रहा कि वो क्यों नहीं आता खाने के लिए हमारे साथ, वो हमारी ना मियाँ को बताती है कि मेरे को एक दिन कई चीरो के लिए खाना बनाना है, वो कहते कितना अच्छा है, वो कई चीरो को ना बुलाऊँ तो वो आ जाएगा, उसकी बात नहीं है, वो इसलिए नहीं आता उसे पुडिंग ज़्यादा पसंद है खाने, पहली बात उसे पुडिंग सच में, हमारे चीरो पूछ जाएगा हाँ वह ना क्यूट बच्चों वाली बात, तो अच्छा तो साइड डिश पे बना दूंगा डेजर्ट में वो, फिर मियाँ को बता देना सुशी, और सुशी भी उसे पसंद है, वो बोला अच्छा, फिर वो हमारा ना चीरो सोचता है ना, मेरे को अभी तक पता ही नहीं इस बंदे का क्या फेवरेट कुक वो खाना है, इतने दिन हो गए मेरे को बनाते बनाते, वो पूछता है ऑल राइट, तो वो ना सोचता है क्या करूँ, तो वो अलग अलग हर टाइप का एक खाना बनाता है, वो बोलता कि आज खाना ज़्यादा ही है, कह रहा हाँ क्या करे, तो वो देखते वो फिर हमारे चीरो सोचता है ये मस्त प्लान है इसके फंसा लूँगा, इससे जो खाना नहीं छोड़ेगा उसे पसंद नहीं होगा, वो फिर वो सब खा लेता है, कहता खाने के लिए शुक्रिया, हमारा चीरो गुस्सा हो रहा होता है, मधो का बोलता है क्या क्यों गुस्सा क्यों हो रहे हो किस बात पर गुस्सा हो रहा है, कह रहा मैं गुस्सा नहीं बिल्कुल, और तुमको क्या पसंद है, कह रहा सब कुछ, यही बात नहीं तुमको क्या खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है वगैरह जो तुम भी बना दो, अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, तो वो कह रहे नहीं मेरा मन करा मेरे को जानना था इसलिए, जो तुम बनाओगे चीरो मेरे को वो पसंद है सब कुछ, ये कितना सर दर्द है कुछ भी हो ठीक है, ऐसे मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तुम कुछ तो बताओ कुछ भी, मतलब कि ऐसा कुछ चीज़ तुमको चाहिए या बनाना है या फिर खाने का मन कर रहा हो तुम्हारा कुछ भी, कह रहा मेरा एक बेंटो बना दो, वो मेरे स्कूल के टाइम याद आ गई जब स्कूल में जाता था तब, तो बेंटो कैसा रहेगा, कह रहा कि अच्छा, तो वो देखता रात को कि बेंटो कैसे बनते अलग अलग तरीके के, बहुत अलग अलग तरीके बेंटो रहते, तो ये वही इतना अलग अलग तरीके, ओ भाई साहब अगर मैं ऐसा चीज़ कभी बना नहीं सकता, खाली मैंने ट्राई नहीं किया, स्टू चिकन अलग अलग इंग्रेडिएंट मीट लोफ सैलमन ये अलग अलग चीज़ है, हॉट डॉग्स डाल के भी ऑक्टोपस वाला बेंटोस तो बहुत टाइप के, खाली ये एग वाला रोल्ड एग ये मेरी मॉम की याद आ गई, ये मैंने कभी बनाया नहीं, मेरी मॉम बनाती थी, तो वो ना सुबह हो जाती है ऐसे सोचते सोचते, वहाँ पे हाथ रहता है मधो काका, वो उठता है फिर वो बोलता है अरे सुबह हो गई, वो देखता है मधो का उसके बगल में सो रहा है, वो मेरे बगल में क्यों सो रहा है तुम, और पटक के चले जाता है मधो काका ऊपर, और वो लंच बना रहा होता है उसके लिए बेंटो ऑमलेट्स का अलग अलग रोल, तो मैंने कभी मैंने बनाया नहीं है, मैं किसी ने मुझे सही से सिखाया भी नहीं, काश ये खाने लायक हो जाए, और बना रहा होता है खाना, और शाम दोपहर हो जाता है ये लो मॉर्निंग, फिर वो बोलता है कि तू क्या ये मेरा बेंटो, कह रहा हाँ ये थैंक यू, मधो का खुश हो रहा होता है, कहते मेरे को माफ़ करो वो थोड़ा जल गया, वो मैंने उसे थोड़ा ख़राब कर दिया, कोई बात नहीं, वो खोल के कि मत देखो अभी वो बाहर में खाने के लिए, वो देखता है और उसके बाद कि ये रोल्ड ऑमलेट, कहता हाँ मैंने मैं मॉम जैसा बनाने की कोशिश करी, खाली मैं बना नहीं पाया मेरे को इतना अच्छे से आता नहीं था इसलिए, वो कहते हैं ये टेस्ट अच्छा है अभी खाओ मत यार अभी मत खाना, वो ऐसे तो जला नहीं लग रहा, कह रहे ऐसी बात ही नहीं है मैं हम सब प्ले पिकनिक पिकनिक खेलते जैसे मेरे सिस्टर के साथ, वो भी बेंटो बनाती थी खाली हद से ज़्यादा जल जाता था वो, उसका कुछ ऐसे बनाती थी तब भी मेरे को पसंद रहता था, वो बिल्कुल काला कलर का था तब भी मैं खाता था, मेरे कोई मतलब नहीं इसका खाने का मेरे को पसंद था, उसके अंदर ज़्यादा शुगर डाल देते थे कोई खट्टा कड़वा ऐसा, पर मेरी बहन जो भी बनाती थी मेरे को पसंद आता था, उस तुम तो उससे भी अच्छे बना रहे हो, तुम बिल्कुल वैसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन बहुत अच्छा बनाओगे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और बोलते कभी ना एडवाइस देना चाहिए उसकी, अपनी मॉम की याद आती है फेलियर से ही सक्सेस का रास्ता बनता है, वो ऐसी सीखी थी फेल हो लो के, फिर वो बोलता कि चलो मैं भी प्रैक्टिस करूँगा फिर ठीक है तुम देखना, तुमको मैं एक अच्छा सा बेंटो खिलाऊंगा तुम देख के रहना, मदाकुआ को बोलता है वो, समझो मेरी बात समझ रहे हो, मैं देखो तुम्हारा टेस्टर बनूंगा तुमको मेरा खाना चखना पड़ेगा सारा, वो खुश मधुका कहता ठीक है बड़ी खुशी से तुम कुछ भी बनाओ,
फिर वो ना बनाते हैं एक बार, वो ना अपना काम चेक कर रहा था मधु का, वो खान लंच को देख रहा होता है। वहाँ पे कई चीज़ों कहता है तुमको क्या हुआ, तुमको खाना है, लंच का टाइम हो गया, मैं खा सकता हूँ, मेरा बेंटो कह रहा हाँ तुमको भूख लगी तुम खा सकते हो, मतलब ये। और वो खाता कहते टाइम खाने का समय हो गया, ये बहुत अच्छा मस्त बढ़िया संडे के लिए मज़ेदार, तुम भी आ सकते हो पुडिंग खाने के लिए संडे को। फिर बोलते मैंने बहुत ज़्यादा फेल किया, ये लो तुम ये खा सकते हो, तुम इसके लिए मैं मत करो, तुमने मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं खाना, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म।